मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और कसरावाद विधायक सचिन यादव सहित कई बड़े नेता कांग्रेस समर्पित प्रत्याशियों के जनसंपर्क में उतर गए। डॉक्टर सिरीश जायसवाल के वार्ड 9 में कांग्रेस कार्यालय का विधायक ने उद्घाटन भी किया। उद्घाटन के दौरान वार्ड 9 में आजाद पार्टी के कार्यकर्ता जमील खान और बीजेपी के दो कार्यकर्ता नईम पेंटर धर्मेंद्र एक्कल ने अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कसरावद नगर परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा में अध्यक्ष पद के लिए चुनावी घमासान जारी है। आजाद समाज पार्टी ने भी अपने 6 पार्षद उम्मीदवारों को नगर परिषद चुनाव में उतारा। यह पार्टी भी अपना दमखम दिखाते हुए जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुटी है। कसरावद से अखिल खान के साथ जाहिद अजमेरी की रिपोर्ट। इसमें आपके 15 प्रत्याशी उतरे हैं 15 वार्ड के अंदर, इसमें क्या लग रहा है और कितने प्रत्याशी जीतकर नगर परिषद अध्यक्ष बने? देखिए, पूरी कसरावद शहर की कसरावद नगर की जनता ने एक ही स्वर में और एक ही नारे के साथ कि हमारा कसरावद जो सरकार बने वो साफ और स्वच्छ हमारी सरकार नगर की सरकार बने और ये बात जो है कसरावद के आम लोगों के आम मतदाताओं के मन की आवाज़ जो है चल कर के बाहर आई है और जो हमारे 15 हमारे जो पार्षद के उम्मीदवार हैं 15 के 15 वार्डों में हमारे उम्मीदवार हैं, ये हमें हमारे नगर के हमारे मतदाता साथ मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से मतदाताओं के बीच में क्या मांग लेकर जा रही है और क्या भारतीय जनता पार्टी विफलता बना रही है और आपका कोई विशेष कार्य योजना है? देखिए, हमारा एक ही उद्देश्य एक ही संदेश है। हमारे जो कसरावद की जनता है, कसरावद की जो लोग हैं, कसरावद के मतदाता हैं, उनको हमें एक साफ और स्वच्छ नगर की सरकार अगले 5 साल में हम बना करके देंगे और कसरावद का जो सर्वांगीण विकास है उस विकास को हम लोग मूर्त रूप देने का काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में पिछले दौर में बहुत सारी विसंगति है और पैसों के लेन देन की बात की है तो मतदाताओं द्वारा सामने लाई जा रही है, उस बारे में भी कांग्रेस पार्टी क्या बात करना चाह रही है? ये सारी चीज़ें आम मतदाता आम जनता के बीच में सारे मुद्दे हैं और अभी समय है, समय आने पर ये सारे मुद्दे हम भी उठाएंगे, यहाँ की जो आवाम है यहाँ की जो जनता है जनता ये सारे मुद्दे लेकर के और ये चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ी, ये चुनाव जो है हमारे कसरावद नगर की जनता है वो जनता ये चुनाव लड़ रही है। भैया, आज कुछ सीएम आर्मी के साथी और बीजेपी के साथी भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो साथी जो है वो भी हमारे साथ ही है, कहीं कहीं दिशा भटक गए थे वो और आज जो है वो पूरा हमारे इस परिवार में शामिल हुए हैं। हमने खरगोन जिले में भीम आर्मी द्वारा कसरावद नगरी परिषद चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशियों को उतारा है, आप किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच में आप क्या चुनाव के मुद्दे लेके जा रहे हैं ताकि जनता की क्या क्या समस्याएं? आजाद समाज पार्टी द्वारा जो है कसरावद में खरगोन जिले के और कसरावद में विधानसभा तहसील में नगर में पहली मर्तबा आजाद समाज पार्टी के 6 अधिकृत प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे मुख्य मुद्दे हैं SC ST और माइनॉरिटी को संरक्षण देना। दूसरी चीज है कि नगर में जिस प्रकार से जल प्रदाय की सब बड़ी समस्या है, तीसरे दिन नल आते हैं, इतनी बड़ी योजनाएं मतलब 24 करोड़ की योजना नगर में पिछले 5 साल से संचालित हो रही है लेकिन आज तक उसका क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। दूसरी ये बात है कि हमारी जो है SC ST के लोग, माइनॉरिटी के लोग नगर परिषद में कई छोटे छोटे से कामों को लेकर के काफ़ी परेशान होते हैं। हमारा एक ही नारा है, हम घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम वादा कर रहे हैं जनता से कि जनता के काम हम जनता के घर बैठ करके करेंगे, यही हमारा मुद्दा है और हम नगर परिषद कसरावद में बहुत अच्छी स्थिति में है, 6 के 6 प्रत्याशियों को हम जीता करके लेकर के आएंगे, बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता और जनता का भी हमको भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। इसमें आवास योजना में भी पहले बहुत धांधलियाँ हुई थी, कई गरीब लोगों को जो पात्र थे उनको वंचित रह गए, उनके लिए क्या किया जाएगा? आवास योजना में सबसे मुख्य मुद्दा है कि गरीबों से ही भ्रष्ट जो है पूरी परिषद जो थी पिछली परिषद थी उसने पार्षदों द्वारा 20-30 हजार रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है।
और उन गरीबों के लिए जिनके लिए ये योजना लागू हुई है उन्हीं गरीबों से लिए गए हैं। बाकी जो अमीर लोग थे, पैसे वाले लोग थे, प्रभावशाली लोग थे, उनको बिना पैसे से जो है पार्षदों द्वारा और नगर परिषद द्वारा आवास योजना का अवैध तरीके से, गलत तरीके से उनको जो है आवास योजना का लाभ दिया गया है। हम उन मुद्दों को भी लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और अगर हमारे हमारी परिचय के छह पार्षद जाते हैं तो हम उनको जो है गरीब लोगों को आवास योजना का लाभ दिलाएंगे और मुख्यमंत्री या सरकार की जितनी भी योजना आएगी उनको हम घर घर तक जो है लेकर के जाएंगे और उनको हम दिलाएंगे। यही हमारे वादे हैं, मुद्दे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।